everyone. So, this is my, I don't know which serial number, कौन सा ब्लॉग है, एंड इवन आई डोंट नो कि ये मैं अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी, बट यहाँ आई हूँ तो ब्लॉग बनाने का मन कर रहा है. और यहाँ से मेरा मतलब है मैं आई हूँ रैथल विलेज पे. मैं दिल्ली से कल रात को देहरादून आई हूँ ट्रेन से, एंड देन ट्रेन से देहरादून से विटोका कैब जहाँ से मैं रैथल पहुँची हूँ. एक्चुअली हमें जाना है दयारा बुग्याल ट्रैक. तो आज मैं हूँ रैथल में और आज हम यहीं रुकेंगे. विल हैव आवर डिनर, थोड़ा रिलैक्स करेंगे बिकॉज देहरादून से रैथल इज़ 6-7 आवर्स, तो टाइम लग जाता है, थक जाते हैं काफ़ी. तो वी आर हैविंग आवर टी टाइम और हम रात को आज रिलैक्स करेंगे, पूरी तरह स्लीप लेंगे, नींद, क्योंकि गाड़ियों में नींद नहीं हो पाती. और फिर हम सुबह यहाँ से निकलेंगे गुई के लिए. गुई में स्टे करके हम जाएंगे, वहाँ से एक रात रुकेंगे, एंड देन उसके नेक्स्ट डे हम दायरा बुग्याल के ट्रैक में जाएंगे. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे, बट राइट नाउ यू कैन सी द व्यू बिहाइंड मी, इट्स रियली प्रिटी. दिस इज़ रैथल विलेज और यहाँ से अभी सनसेट हो रहा है. तो एक्चुअली मैं रुकी होम स्टे में, सो यहाँ पे लोकल लाइट्स है जिनसे आप, हाँ वन थिंग मोर कि आप किसी अगर होम स्टे में रुके हो तो आई से कहीं भी जाओ तो आप होम स्टे में और ऐसी जगह पे रुको जहाँ पे यू नो लोकल इंटरेक्शन ज़्यादा हो. इससे क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें होती है एज अ यू नो पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज, लाइक दिल्ली से आ रहे हो आप, कैलकटा से आ रहे हो, बैंगलोर से, और कहीं भी किसी शहर से आ रहे हो, तो क्या होता है हमें चीज़ों के बारे में उतना ही पता होता है जितना इंटरनेट हमें बताती है. जब आप यहाँ से यहाँ पे आते हो और आप लोकल से, जितने भी लोकल लाइट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करते हो, तो आपको चीज़ें, नई नई चीज़ें पता चलती है जगह के बारे में, इनके हिस्ट्री के बारे में, इनके फूड हैबिट्स के बारे में, खाने के बारे में, तो वो एक प्लस बेनिफिट हो जाता है और आप वो इन्जॉय करते हो जो बाकी लोग नहीं कर पाते. सो अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं आपको व्यू दिखाऊँगी क्योंकि अभी हो रहा है सनसेट और बिल्कुल ऑरेंज हो चुका है स्काई. लेट मी फ्लिप द कैमरा. ये है सनसेट हो रहा है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है इस टाइम पे, बिल्कुल ऑरेंज हो चुका है स्काई और ये टाइम है दिसंबर 2020 का. सो होपिंग फॉर अ वेरी मेमोरेबल क्रिसमस. ये है, सो फाइनली इट्स डे टू और वी आर हेडिंग टू गुई. गुई में जाके जाने के लिए हमें यहाँ से ट्रैक करना होगा, तो वी आर ऑल सेट, हमने अपने बैग सारे पैक कर लिए और ये रहे हमारे बैग, ये रहे हमारे बैग और हम यहाँ से जाएंगे गुई ट्रैक करके. तो यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है, हम अभी गुई की ओर जा रहे हैं जिसमें हमें लगेंगे 4-5 घंटे. और अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, वैसे तो बिगनर्स हैं बट मॉडरेट इस टाइम पे कह सकते हैं बिकॉज स्नो है, सो थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्नो में ट्रैक करना अगर आपने ग्रिपिंग अच्छी नहीं बनाई तो. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू नो यू कैरी अ वेरी गुड पेयर ऑफ शूज़. गेटर्स एंड क्रैम्पॉन्स की ज़रूरत आपको आगे पड़ सकती है, डिपेंड स्नो कितना है. वेल टिल देन enjoy the trek. So we are walking towards, trekking towards actually the place jahan pe hame rukna hai, that is called Gui. Or let me show you the trail. हो चुकी है और हम खाएंगे राजमा राइस जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है, मेरा फेवरेट है और हम बहुत भूखे हैं. और सो ये है हमारा कैंप साइट और गुड मॉर्निंग हो चुकी है. लेट मी शो यू बाहर का नज़ारा.
ठंड कितनी है यहाँ पे दिसंबर के टाइम पे, रात को -10 to 15 हो जाता है रात को, आई रियलाइज्ड। बाय द वे आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज फाइनली आज हम करेंगे दयारा पुग्याल तक की ट्रैक, विच इज़ 12,000 feet, और हमें लगने वाले हैं 4 से 5 घंटे मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज असेंडिंग रूट है और स्नो दिखने वाला है भर भर के। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रैक। वाओ, इट्स सो सो प्रिटी। आई थिंक जितना भी हमें थकावट हुई, स्वेटिंग, इधर पेन उधर पेन, पैरों में दर्द, इट्स ऑल वर्थ। बिल्कुल सफ़ेद चादर सा लग रहा है ये तो। और यू नो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ बहुत ही कम लोग आए हैं एंड इट्स नॉट एट ऑल क्राउडेड जैसा कि आई वॉन्टेड। खैर, आप नज़ारे का मज़ा लो। मैंने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी है जो कि आप मेरे इंस्टा हैंडल पे देख सकते हैं, और मेरे इंस्टा हैंडल का नाम है ये लड़की हाय अल्लाह। प्लीज़ फॉलो कीजिए फॉर ऑल द ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ दिस ट्रैक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं और भी ट्रैवल, फूड एंड लाइफ स्टाइल रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी। दयारा से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, आई वुड रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट मी एंजॉय नाउ। बाय।